वेलकम बैक दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आज मैं बात करूंगा हाल ही में फिलहाल रिलीज हुई PS2 की कोने फिल्म 2 के बारे में। दोस्तों काफ़ी सारे को ये मूवी समझ में आई, काफ़ी सारे को मूवी समझ नहीं आई। इससे पहले आई थी कोने सेलर 1 जो कि 30 सितंबर 2022 रिलीज हुई थी, और दूसरी जो PS2 है कोने सेलर 2 वो हुई थी 28 अप्रैल 2023 को। तो फिलहाल कुछ लोगों को ये मूवी समझ में आ गई, कुछ लोगों को ये मूवी समझ में नहीं आएगी। तो आज हम पूरी इस मूवी को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या इस मूवी में हुआ था, क्या मतलब कौन है सब लोग और क्या है चोला वंश। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहेगा एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहली बात मैं बता चाहूँगा पोनी सेलर 1। पोनी सेलर का मतलब होता है पोनी का बेटा, यानी कि पोनी का मतलब है कावेरी नदी। जैसे हमारे देश में गंगा नदी है, जैसे गंगा यमुना, तो एक हुई कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के कावेरी में उसको वहाँ पे पोन्नी बोलते, उस समय पोन्नी बोलते थे, पोन्नी व पोन्नी का बेटा पोनी सेलर। तो वो एक नाम है राजा का अरुलमोझी वर्मा, जिसे कई लोग राजा चोलन बोलते हैं, कई लोग अरुलमोझी वर्मा बोलते हैं, कई लोग पोन्नी सेलम बोलते हैं। पोन्नी सेलम का मतलब यही होता है कि कावेरी में ने उसको एक बार बचाया था। तो दरअसल कुछ बात है कि आप लोगों को कई बार मुझे समझ में आ गई कि पूरी पोलिटिकल ड्रामा मूवी है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन है ये झूला वैम्पायर। तो दोस्तों आज से करीब 1500 या 1700 साल पहले 850 ईस्वी में 800 आफ्टर क्राइस्ट डेथ के बारे में मूवी आई थी कौन चोला एम्पायर, विजयालय चोला ने उसकी स्थापना की थी अपने चोल वंश। तो उसके बाद कई सारा जाए कई उसका जो विजयालय चोला है, उसके बाद परंतका चोला है, उसके बाद सुंदर चोला है, उसका जो दो बेटे और एक बेटी है, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक अरुलमोझी वर्मन, एक आदित्य करिकालन और कुंदवी देवी। तो सबसे पहले बात करते हैं अरुलमोझी वर्मन की। अरुलमोझी वर्मन जिसके हम आदित्य चोलन के नाम पे भी जानते हैं, उसके समय में चोला एम्पायर का काफ़ी प्रभाव पड़ा और चोला एम्पायर काफ़ी हद तक उसने ग्रो किया। और अब दूसरी तरफ है आदित्य करिकालन। आदित्य करिकालन वो है, वो अरुलमोझी के छोटे भाई हैं, और कुंदवी सबसे बीच में सबसे बड़े भाई अरुलमोझी वर्मन, दूसरे नंबर पर कुंदवी देवी और तीसरे नंबर पर आदित्य करिकालन। तो अब बात करें आदित्य करिकालन की, तो वो बहुत ही सूर्य योद्धा है। मतलब कहा जाता है कि एक आदित्य करिकालन 100 अरुलमोझी वर्मन के बराबर है, 100 अरुलमोझी वर्मन होंगे तब एक आदित्य करिकालन, मतलब दोनों भाई के छोटे बड़े भाई एक दूसरे को बोल कर ही सकते थे। तो आदित्य करिकालन देश में सबसे महत्वपूर्ण था बैटल ऑफ ग्रैंड कैन्यन निकट, जो कि एक बांध को लेकर एक बांध के पास में लड़ा गया था। तो आज भी तमिलनाडु का तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के पास वो नाम है कलनाई डैम नाम उसका है, जो कि अजंता देवी का सबसे पुराना बांध पूरे भारत का माना जाता है। तो वो था कलनाई डैम, जिसको बोल जाते बैटल ऑफ बेनी ग्रैंड कैन्यन निकल, और उसको बोला गया आदित्य करिकालन ने बनवाया था। हम बात करते थे वो जो तीसरे नंबर कुंदवी देवी, तो कुंदवी देवी एक बहुत ही सुंदर और एक उपयोगी राजकर्ता थी, मतलब प्रिंस थी वहाँ पे चोल एम्पायर की, जो एक सबसे अच्छी वैभवकर्ता मानी जाती है उसको कुंदवी देवी को। और आपने ये तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट की बात के वल्लवारायण बन जाते हैं, आपने ये नाम कई बार सुना है कि वल्लवारायण बन जाते हैं।
हाँ।